हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नमकीन चावल बनाने की रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं। चावल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमने लिए 2 आलू, इन्हें हमें अच्छे से छीलकर और धोकर ले लिया है। यहाँ पे मैंने लिए हैं 3 प्याज, इन्हें भी हमने छीलकर धोकर लिया है। 2 हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। बाकी आप जितनी भी सब्जियां उसमें ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, प्याज हरी मिर्च और आलू को हम बारीक बारीक काट लेते हैं। इस तरीके से हमने सभी सब्जियों को बारीक बारीक काट लिया है। आपको भी इसी साइज में काटना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं चावलों को छौंकने की तरफ। हमने यहाँ पे लिया है उबला हुआ चावल। आप अगर रात को आपके घर में बच जाता है तो आप वो उबला चावल भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने अभी बॉईल किया है तो चावल में आई डोंट थिंक आप लोगों को बताने की जरूरत है कैसे बॉईल किया जाता है। आप जितना कप चावल लेंगे उसका 1.5 गुना आपको पानी डालना है और 1-2 चम्मच आपको घी ऐड करना है। उससे क्या होगा कि जो आपका चावल है वो खिला खिला बनेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि मेरा चावल एकदम खिला खिला है। यहाँ मसालों में मैंने लिया है 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 से 3 हरी मिर्च। ये हरी मिर्च तीखी नहीं है बिल्कुल भी, तो आप 3 भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 हरी मिर्ची को लिया है, उसे मोटा मोटा काट लिया है। 8 से 10 लहसुन की कलियां, 1 लौंग और 8 से 10 हमने लिए हैं यहाँ पे काली मिर्च। और पूरा नमक आप इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 3 छोटे चम्मच नमक ऐड किया है चावलों की क्वांटिटी के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या करना है, इस मसाले को हम दरदरा कूट लेंगे। मसालों को आपको कूट कर ही लेना है क्योंकि जो मिक्सी में आप कूटेंगे मसालों को उसका इतना अच्छा फ्लेवर नहीं आएगा जितना हमें इस हाथ से कूटे हुए मसाले का फ्लेवर आएगा। तो चलिए पहले इसे कूट लेते हैं। मसाला अच्छे से कूट चुका है, आपको इतना दरदरा इस मसाले को कूटना है। हम एक बड़ी कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। यहाँ मैंने 2 चम्मच सरसों का तेल लिया है और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। यहाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया, इसमें से धुआं दिखाई दे रहा है। वो हम ऐड करेंगे हमारा बारीक कटा हुआ प्याज। पूरा प्याज आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए। इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लीजिए इसको। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा आलू और हरी मिर्च। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा कुटा हुआ मसाला जो हमने अभी कूट के रखा था। इसी में हमारा नमक है तो इससे क्या होगा कि जो आलू है हमारे वो बहुत जल्दी गल जाएगा। एक मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारे सभी मसाले। तो मम्मी कितने चम्मच लाल मिर्ची पाउडर ले रहे हो आप? 3 चम्मच। तो आपको गाइस 3 छोटे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लेना है। फिर यहाँ मम्मी ऐड करिए 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और अब ये है हमारा सूखा धनिया पाउडर जो कि 1 छोटा चम्मच है। यहाँ हमने ऐड किया है गरम मसाला। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और इसे अच्छे से स्टर कर लेते हैं एक बार ताकि जो मसाला है हमारा वो सभी आलुओं पर अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसे ढककर रख देंगे ताकि जो आलू हमारा अच्छे से गल जाए। आपको एक टमाटर भी लेना है और उसे इस तरीके से मोटा मोटा काटकर ऐड कर देना है। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि जो आलू और टमाटर है हमारे वो अच्छे से गल जाएं। ढके हुए 1 से ज्यादा मिनट हो चुका है, 2 मिनट के अराउंड हमने इसे ढककर रखा था। तो आलू को चेक कर लेते हैं कि गला है या नहीं। आलू हमारा अच्छे से कट रहा है, मतलब जो आलू है हमारा गल चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे धनिया, फिर ऐड करेंगे हम हमारा इसमें उबले हुए चावल। तो धनिया ऐड कर दीजिए। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए धनिया ऐड करने के बाद। अब हम इसमें ऐड करते हैं हमारा उबला हुआ चावल। तो पूरा चावल आप डाल दीजिए अपनी क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। हमें क्या है कि मीठा चावल खाना भी पसंद है तो थोड़े से हमने मीठे चावल निकाल लिए हैं और फिर सब्जी जितनी हमारी है, जितनी ग्रेवी बची है, उस अकॉर्डिंग हमने उबले हुए चावल ऐड कर दिए हमारे।
तो आपको इसी तरीके से चावल ऐड करने हैं, फिर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना यम्मी लग रहा है और कितने कलरफुल हमारे चावल लग रहे हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए। हमारे चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे नमकीन चावल बनकर बिल्कुल तैयार हैं। ये देखिए कितने यम्मी लग रहे हैं। आप इसे किसी भी तरीके से अपनी पसंद के अकॉर्डिंग आप इनसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनियन के कुछ स्लाइसेस रखे हैं, अनियन रिंग्स बनाकर। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। एंड गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।